हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023, इससे रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है तो वो चेक कर लेते हैं। इसके हिसाब से जो एडवर्टीजमेंट है वो 5 मई 2023, 5 मई 2023 तक लेटेस्ट रिलीज हो जाने चाहिए, और एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है तो एप्लीकेशन प्रोसेस भी ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाती है। तो क्या अपडेट आई हुई है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी एडवर्टीजमेंट रिलीज होगी तो यहाँ पर होगी। कोई भी ऑथेंटिक जो एडवर्टीजमेंट है या एप्लीकेशन लिंक है वो आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चेक करेंगे हम जब आ जाएगी एडवर्टीजमेंट, तब फिलहाल जो अपडेट है वो देख लेते हैं। तो आजकल इंटरनेट पर चीजें जो है कहीं से कहीं पहुंचती रहती है, तो मेरे पास भी ये अपडेट आई हुई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। अब इसमें ठीक से पढ़ेंगे, ये दो तीन सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए दो तीन रोज में वो पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है टाइम लिमिट फॉर कंसर्न डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ GNCTD फॉर सेंडिंग रिक्विजिशन टू DSSB और UPSC। तो रिक्विजिशन भेजने का मतलब होता है कि कितनी कहाँ पर कौन सी पोस्ट खाली है, कितनी वैकेंसी है, वो भेजने की डिटेल, जिनके लिए एडवर्टीजमेंट निकालनी है वो डिटेल भेजने को रिक्विजिशन भेजना बोलते हैं, सेंडिंग रिक्विजिशन। तो ये 5 अप्रैल तक हो गई है प्रोसेस। अभी दूसरे में लिखा टाइम लिमिट फॉर DSSB/UPSC फॉर नोटिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट की टाइम लिमिट DSSB को भी दी हुई है और यूपीएससी को भी कुछ एडवर्टीजमेंट निकालने होंगे, तो दोनों को जो है टाइम लिमिट दी गई है एडवर्टीजमेंट रिलीज करने की। वो क्या है, विद 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग रिक्विजिशन अप टू 5 मई 2023। तो इसमें लिखा है कि 5 मई 2023 तक अप टू 5 मई 2023 तक एडवर्टीजमेंट जो है रिलीज हो जाने चाहिए 30 दिनों के अंदर। मतलब 5 अप्रैल तक रिक्विजिशन भेजी गई है तो 5 मई तक आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। इसके बाद टाइम लिमिट फॉर कंडक्टिंग रिटन टेस्ट और इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बाय DSSB UPSC। और उसके बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कब तक लेने, तो नेक्स्ट 30 डे में, मतलब एप्लीकेशन जिस दिन बंद हो जाती है, एप्लीकेशन ओवर हो जाती है उसके बाद फिर 30 डे, मतलब मई जून जुलाई तक एग्जाम भी होंगे। टाइम लिमिट फॉर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट एंड द कंक्लूजन ऑफ प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और इंटरव्यू। तो इसमें तो Tier 1 ही होता है टीचर वाले में, तो Tier 1 का रिजल्ट तो मतलब जुलाई अगस्त तक जो है ज्वाइनिंग भी हो जाएगी अपॉइंटमेंट। तो ये है, और बाकी जो नेक्स्ट जो है कुछ प्रमोशन के लिए लिखा हुआ है तो वो हमारे यूज करें वो प्रमोशन के लिए जिनको। तो ये जो अपडेट आई हुई है कहीं से मुझे अपडेट मिली है, तो इसके हिसाब से 5 मई तक आपको लेटेस्ट एक एडवर्टीजमेंट तो जरूर देखने को मिलेगी, और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब एडवर्टीजमेंट आ गई तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो होगी ही। तो होप फॉर द बेस्ट, जैसे ही आएगी कोई भी अपडेट तो आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपडेट मिलती रहेगी।